देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। 40 किलोमीटर के दायरे वेटलैंड में सारस्तिक किरकिरे। मेनपुरी इटावा मार्ग पर बुजिया पुल से सहनगांव के रास्ते पर कुछ दूर चलते ही किरे किरे की आवाज आपको अपनी ओर के लिए उतावला कर देगी। गांव के पास विशालकाय क्षेत्र में पानी का दरिया नजर आएगा, जहां तहां बैठे सारस सहित अन्य पक्षियों का कलरव आपको मुग्ध कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आप वॉच टावर पर चढ़ जाएंगे तो प्रकृति और परिंदों के संगम का और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल ये सारस सर्किट है, दलदली जमीन होने के कारण सारसों का ये सुरक्षित और सुकून भरा आशियाना है। यहाँ इनके भोजन की भरपूर उपलब्धता है। सारसों की संरक्षण के लिए प्रशासन ने इस स्थल को नया रूप दिलाया है। करहर ब्लॉक क्षेत्र का सहन गांव इस सर्किट का मुख्य स्थल है। इस गांव के पास ही 300 बीघा का विशाल काय वेटलैंड है। इसके अलावा करहल के ही किरतुआ नगला झंडू साहस कीचनी ब्लॉक का समान सोज और हसील भोगांव ब्लॉक की भागत और मेनपुरी ब्लॉक के विधुना वेटलैंड को भी इस सर्किट में शामिल किया गया है। सहन गांव में नाप जोक के बाद वेटलैंड की जमीन चिन्हित कराई मनरेगा से करीब। सहन गांव में प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, सारस सहित तमाम प्रजातियों के पक्षियों का किलोल भी यहां से जाने नहीं देता। पर्यटन के नजरिए से ये खास स्थल हो सकता है और इसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं, ये कराए गए। सहज गांव में नापजोक के बाद वेटलैंड की जमीन चिन्हित कराई मनरेगा से करीब 300 बीघा दायरे में सड़क के दो और फैले वेटलैंड की मिट्टी से दीवार बनाई। वेटलैंड के चारों ओर पौधे रोपे गए, हरे रंग से रंगे बांस के ट्री गार्ड लगाए गए। सहन गांव को इको टूरिज्म का हब बनाने पर काम चल रहा है। मनरेगा और पंचायत के सहयोग से कई काम हो भी गए हैं। पक्षियों की सुरक्षा को युवाओं की समिति बनाई गई है। अनीता देवी प्रधान, सर्किट विकसित करने का काम ग्राम पंचायतों का होगा। वेटलैंड संवारने का काम मनरेगा से कराया गया है। सहन गांव को इको पर्यटन मॉडल के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। पीसी राम डीसी मनरेगा बाक्स ऐसे पहुंचे सारस सर्किट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के करहल कट से उतरकर मेनपुरी इटावा फोर लेन के रास्ते बुजिया पुल पर पहुंचे। यहां से सहन गांव के लिए रास्ता जाता है। मेनपुरी से भी इस रास्ते के जरिए पहुंचा जा सकता है। मेनपुरी रेलवे स्टेशन से यहां के लिए भी सड़क मार्ग है। यहां से सैफई हवाई पट्टी 25 किलोमीटर है। अतुल यादव, रिपोर्टर, सिटी टीवी 24 न्यूज, मेनपुरी।